नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टाइल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लास चलने वाली है। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में मैंने मैथ का परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था और परसेंटेज की पहली क्लास मैंने आपको बताई थी बिल्कुल बेसिक से कि आपको परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे समझेंगे, परसेंटेज परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, और कुछ बेसिक से मैंने क्वेश्चन दिए थे और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड रहने वाला है और ये क्लास हमारी किसके लिए रहेगी, तो याद रखेंगे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी सीरियल की बात करें, यूपी पीसीएल की बात करें, एलपी की बात करें, या भी किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम के लिए ये हमारी क्लास क्या रहेगी, बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया गया है, एडवांस लेवल तक जाएंगे लेकिन बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से सीखेंगे मानो आपने कभी मैथ पढ़ी नहीं। तो उस हर एक बच्चे को टारगेट किया जाएगा जिससे मैथ आती नहीं या जिसने कभी पढ़ी नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और हर एक चीज़ इसमें पढ़ाई जाएगी, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए और बात करें, जैसे अभी पेट का एग्जाम हुआ था, 5 के 5 क्वेश्चन आपके मैथ के इसी क्लास से मिले थे, उसमें 5 के 5 रीजनिंग की बात करें या मैथ की बात करें उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कराई थी और जो भी पढ़ाया था 5 के 5 क्वेश्चन अपनी क्लास से ही आए थे, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने आपको पहले से यहाँ पर कुछ डाटा लिख के दे रखा है और इसे आपको रट लेना है, बिल्कुल इसे निकालना। मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था, आज भी हम बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप एग्जाम के समय तो आप निकालेंगे नहीं, आप निकालेंगे तो इसी में सारा टाइम निकल जाएगा। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की बात करें, 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने, तो आपको स्पीड बहुत अच्छी लानी होगी। स्पीड लाने के लिए ये छोटी छोटी बातें हमें सीखनी पड़ेंगी, तो इसे आप नो डाउट इसे निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के समय अगर ये चीज़ याद रहती तो आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इस चीज़ को क्या करना है, याद कर लेना है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको निकालना भी सिखाएंगे और आपको ये डायरेक्ट याद रखना। याद कैसे करेंगे, आप जहाँ पर भी अपनी पढ़ाई करते हो उसे इसको आपको क्या करना है, चिपका लेना है और उसे 2 से 3 बार आप उसमें नजर डालेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। 1/3 का मतलब होता है 3300/1/3%। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14/2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12/1/2%। ऐसे 1/9 का मतलब होता है 11/1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9/1/11%। 1/12 का मतलब होता है 8/1/3%। 1/13 का मतलब होता है 7/9/13%। 1/14 का मतलब होता है 7/1/7%। 1/15 का मतलब होता है 6/2/3%। 1/16 का मतलब होता है 6/1/4%। 1/17 का मतलब होता है 5/15/17%। 1/18 का मतलब होता है 5/5/9%। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, अभी हम देखने वाले हैं, अभी क्वेश्चन देंगे उन क्वेश्चनों में इनका यूज करेंगे। देखिए आप बिना पेन के भी आंसर निकाल सकते हैं। 1/19% का 1/19 का मतलब होता है 5/5/19%। 1/20 का मतलब 5%। 1/24 का मतलब 4/6%। 1/25 का मतलब 4% होता है। 1/40 का मतलब 2/1/2%। 3/8 का मतलब 37/1/2%। 5/8 का मतलब होता है 62/1%। 4/7 का मतलब होता है 57/1/7%। ऐसे याद रखते हैं, 5/7 का मतलब होता है 71/3%। 2/3 का मतलब 66/2/3%। 4/5 का मतलब होता है 80%। 3/4 का मतलब होता है 75%। 5/11 का मतलब 45/5/11%। 7/11 का मतलब होता है 63/7/11%। 10/11 का मतलब होता है 90/10/11%। और लास्ट में 4/9 का मतलब होता है 44/4/9%। और भी होते हैं लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सब कुछ मैंने क्या लिखा है, अब इसे हम आपको निकालना सिखाते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 1/2,
हालांकि मैंने कल के एग्जाम उसमें लेक्चर में बताया था कि परसेंटेज को लगाते कैसे और परसेंटेज को हटाते कैसे। मैंने कहा 1/2 लिखा, 1/2 को फ्रैक्शन मिला, उसमें परसेंटेज मिला। मैंने कहा था परसेंटेज मिलाने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। 1/2 को परसेंटेज मिलाना है तो आपको करना क्या, 100% का मल्टीप्लाई कर देना है। किसका मल्टीप्लाई, 100% का। आप 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 50% आ जाएगा। और बताइए 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। होता है या नहीं होता है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। 4/5 का निकालना है, आप लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, 100% करेंगे। क्या करेंगे, 100%। 5 का भाग देंगे, 5 × 2 = 10, 20 चौको कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80% हो जाएगा। बताइए क्या 80% आया क्या। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा 1/6, 1/6 को बताना है तो 1/6 इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे आप, 100% का करेंगे। आप 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, 50 में 3 का भाग देंगे 16 × 43, 16 सही 2/2 कितना आएगा, 3% आएगा। क्या 16 सही 2/3% आ रहा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। ये मैंने निकालना पिछले लेक्चर में भी सिखा दिया था और फिर से मैंने एक बार आपको बता दिया, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। किसी एक और नंबर को ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 7/11 ले लेते हैं, कितना 7/11 मैंने लिया, परसेंटेज मिलाना है 100% का, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 700% हो जाएगा, 700 में से आप 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 11 × 6 = 66, 6 बार जाएगा। बचेगा हमारे पास 4 = 40 हो जाएगा, 11 × 3 = 33, बचेगा 7/11, तो कितना आएगा 63 × 7/11, ये हमारा क्या होगा, परसेंटेज आएगा। आप इसे ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप इसमें इसी में सारा टाइम देंगे तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इस चीज को बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना है, ठीक है। आपको अपने माइंड में क्या करना है, सेव कर लेना है, फिट कर लेना है। तो इसको आप 2 से 3 बार नजर से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इस सबका हम यूज कहाँ करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इरेज कर देते हैं, इसके बाद कुछ सवाल देखते हैं। चलिए इसे हम पूरा इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, सवाल देखते हैं। और इस चीज को आपको जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, आपका स्टडी रूम जो भी है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, इसे अपने किसी एक कॉपी में लिख करके चिपका सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और याद करना बहुत जरूरी है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। यदि आप अपने मैथ में स्पीड लाना चाहते हैं तो स्पीड के लिए आपके लिए क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये तो मैंने बताया कि आपको ये सारा तो याद करना है। अब देखो इसका हम यूज कैसे करने वाले हैं, अब सवाल के माध्यम से समझेंगे। आज का हमारा पहला सवाल क्या लिखा है, पहला सवाल लिखा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%। सवाल हमारा पहला सवाल है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसी में जोड़ दिया जाए तो, इसी में जोड़ दिया जाए तो, इसी में अगर हम जोड़ दें तो 4956 बनता है, तो 4956 बनता है, ठीक है। 4956 बनता है। फिर कहा गया वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता ही नहीं चला होगा कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करें, केवल इतना क्वेश्चन मैंने लिख दिया। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको नहीं पता चला होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करें, ठीक है। आपको कोई लॉजिक नहीं, आपको कोई मेथड यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा होगा, इसमें क्या एक्स माने या क्या करें नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन आप एक्स मान के करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो भी मैंने बताया अगर वो आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बताइए सबसे पहले, अभी मैंने 16 से 2/3% बताया था इसका मान क्या होता है, तो आप कहें इसका मान 1/6 होता है। बताइए अभी मैंने आपको बताया था इसका मान क्या होता है, तो आप कहें इसका मान क्या होता है, 1/6 होता है। जस्ट अभी मैंने निकाल के भी सिखाया था, यहाँ पर लिखा भी था, निकाल के भी सिखाया था, यानी कि 16 से 2/3% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। इसमें कहा गया अगर किसी संख्या का इसी में जोड़ दिया जाए, याद रखेंगे नीचे वाली संख्या हमेशा वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है याद रखना,
ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, नीचे की संख्या हमेशा वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में यानी कि 16 से 2/3 का मतलब 1/6, और 1/6 में से संख्या को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। जब इस संख्या को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 6 कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 7 बन जाएगा। तो अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये कितना बनता है, इनके हिसाब से 4956 बनता है, इनके हिसाब से 4956 बनता है, अपने हिसाब से क्या बनता है, तो आप कहेंगे 7 बनता है। आप क्या करेंगे, 7 से आप काट देंगे, 7 से 49 बनेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 जीरो जब लेते हैं तो आप दो अंक लेते हैं तो आप क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 8 बार जाएगा। वो यानी कि एक का मान कितना गए, आप कहेंगे एक का मान 708 आ गए। आपसे वास्तविक संख्या पूछी गई, वास्तविक संख्या हमारी ये कहलाती है, तो आपको इसमें क्या करना है, 708 का मल्टीप्लाई कर देना है कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8 × 48 हो जाएगा, 7 × 42 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 42 × 48 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 42 × 48 क्या होगा, आपका राइट आंसर आएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहेंगे 1/6। नीचे वाली संख्या हमेशा वास्तविक संख्या होती है, इसमें अगर वास्तविक संख्या में संख्या को जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। आप 6 में से 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 6 में से आप 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे 7 बन जाएगा। 7 किसके बराबर हो जाएगा, 4956 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, काटेंगे, एक का मान कितना आएगा, 708 आ जाएगा। जब एक का मान 708 आ जाएगा तो बताइए 6 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 × 48 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर वो चीज आपको याद है तो आप कितनी आसानी से कर पाते, अगर वो नहीं याद है तो आपको फिर आपको चेंज ही करना पड़ता, 16 से 2/3% को आपको पहले फ्रैक्शन में बदलना पड़ता, ठीक है, तब आप कर पाते। उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप दूसरा क्वेश्चन इजिली सोल्व कर सकते हैं, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, दूसरा प्रश्न हमारे पास दे रखा है, अगर किसी संख्या का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% की क्या की जाती है, 6 से 2/3% इसी से घटा दिया जाए, इसी से क्या किया जाता है, इसी से घटा दिया जाए तो आपको बताना है, तो 5670 बन जाता है, घटा दिया जाए तो 5670 क्या होता है, बन जाता है, 5670 क्या होता है, बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया, फिर से सेम क्वेश्चन हमारे पास आया, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या क्या होगी ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अभी इसके पहले जो मैंने सवाल बताया था उस सवाल में जोड़ा जा रहा था, इसमें घटाया जा रहा है, यानी कि तरीका वही रहने वाला है। इसमें केवल हमें करना क्या है, आप कहेंगे केवल इसमें घटा देना है, क्या कर देना है, घटा देना है। तो सबसे पहले बताइए 6 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती, तो आप कहेंगे 1/15, क्या होती है, 1/15। इसमें कहा जाता है इसी में घटा दिया जाता है, तो इस बार आप क्या करेंगे, इसमें एक घटा देंगे। जैसे आप घटाएंगे तो बताइए 15 में से एक घटाएंगे क्या आएगा, आप कहेंगे 14 आ जाएगा। और ये 15 क्या है, तो आप कहेंगे 15 वास्तविक संख्या है, क्या है ये 15 हमारी वास्तविक संख्या है। आप कहेंगे 14 और इनका मान कितना दे रखा है, 5670 दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5670, 14 से काटेंगे तो कितना आएगा, 14 × 56 = 5 = 70 = 405 आ जाएगा। आपसे कहा गया वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या तो 15 है, तो आप क्या करेंगे 405 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप 405 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए
15 का करेंगे 75 आएगा, 15 चौको 60 आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 60-75, आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60-75 यानी कि 6075 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें जोड़ने के लिए कह सकता है, इसमें घटाने के लिए कह सकता है, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए। यदि आपको तरीका पता है, आपको मेथड पता है, तो आप किसी भी सवाल को इजिली सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि आप आज के पहले क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे, आपको पता ही नहीं चला होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया और आप इसे अच्छे से इंजॉय पूर्वक आप इसे सीखिए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस टाइप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अपने टाइप को चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख ले जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लिखा है अगर किसी संख्या का 11 से 1/9%, अगर किसी संख्या का, एक ऐसा क्वेश्चन और देखेंगे, अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए। तो क्या लिखा है, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, क्या बनता है, 900 बनता है। ठीक है, 900 बन जाता है। इसके बाद में 900 बनता है, वास्तविक संख्या आपको बताना है, क्या बताना है, आपको वास्तविक संख्या आपको बताना है। ठीक है, सवाल वही फिर से हमारा आया, वास्तविक संख्या आपसे पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था 11 से 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/9 होता है, कितना होता है 1/9। इसमें जोड़ने की बात हो रही तो आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, जैसे आप प्लस 1 करेंगे तो आप कहेंगे 9 × 1 = 10 हो जाएगा, और 10 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 10 किसके बराबर है, जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो किसके बराबर, तो आप कहेंगे 900 के बराबर है। एक का मान निकालेंगे 10 90 आ जाएगा। आपसे वास्तविक संख्या पूछी गई, वास्तविक संख्या आपके पास कितनी है, आप कहेंगे 9 है, तो कितना है 9 × 9 = 81, यानी कि 810 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा, 810 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन समझ आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में आपको अब दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ तक समझ आ गए तो हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की, देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 1260 का 33 से 1/3%, क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 1260 का 1260 का 33 से 1/3%, 1260 का 33 से 1/3% प्लस 755 का 80% का 80% बराबर, आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया कि बराबर बताइए क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को भी आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, इजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए हम बात करेंगे, पहले आप तो इसे चेंज कर सकते हैं, हालांकि आपको डायरेक्ट याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो 1/3 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/3 होता है, और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। आप यहाँ पर 3 का भाग देंगे, 3 × 12 3 × 2 = 6, आप कहेंगे 420 आएगा, यहाँ से 420 निकलेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको 80% बताया था, 80% का मान क्या होता है, नहीं आता है तो आप निकाल भी सकते हैं, 80/ आप क्या करेंगे 100 करेंगे, 80/100, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 करते हैं, 0 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, और अभी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि 80 का मतलब क्या होता है 4/5 होता है, और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4 से काटेंगे इससे कितनी बार, 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 5, 2 बचेगा 55 = 25 हो जाएगा, और 5 × 5 = 5, यानी कि 151 आएगा, 151 आएगा कि नहीं आएगा, साथ में क्या मल्टीप्लाई 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 4 × 4 = 15 = 60 हो जाएगा,
600 कितना है, ये 4 आ जाएगा, और बीच में प्लस लगा है तो आप क्या करेंगे, 604 को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बताइए तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1024 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 1024 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, यानी कि उसका यूज कैसे करेंगे, हम अभी आपको यूज करना ही सिखा रहे हैं। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टाइप को टच किया जाएगा। अभी ये सेकेंड लेक्चर हमारा है, हमारा लेक्चर जब तक ये चैप्टर अच्छे तरीके से कम्प्लीट नहीं हो जाएगा, लेक्चर अपना कम्प्लीट नहीं होगा, समाप्त नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि कई सारे वीडियोस पे बनेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अगले प्रश्न के लिए हम बात करें और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक से क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, 3600 का 7/9, 3600 का 7/9, 3600 का 7/9 का 45% का 35% का 45% का 35% का 35% बराबर क्या होगा, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले 9 से इसे काटेंगे, 9 को 36 यहां से क्या मिलेगा, आप कहेंगे 400, क्योंकि का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई। आप कहेंगे यहां से तो निकलेगा 400, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 100 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, यानी कि परसेंटेज आप जैसे हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बताइए यहां तक समझ आ गया। आप कहेंगे 20 से 20 ये काट देंगे, आप फिर 4 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 25 बार कटेगा, 5 से इसे काटेंगे 5 बार, 5 से 7 बार, 5 से इसे काटेंगे 9 बार, कितनी बार, 9 बार, सब कुछ कट गए तो आप कहेंगे 7 बचा, 9 बचा और 7 बचा, यानी कि 7 × 49 49 × 9 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9 × 81 कह रही है हमारे पास 8 आएगा, 9 × 36 36 × 4 = 40 × 4 = 44 आप कहेंगे 441 आपका क्या होगा, राइट आंसर आएगा। 441 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 441 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। आप ऐसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, नो डाउट ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ऐसे देख लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने आगे। जैसे लिखा है 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना दे रखा है, बराबर 24 दे रखा है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे परसेंटेज को यहां से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे नीचे 100 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, और इसका का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इतनी चीज तो आप समझ गए। 0 से आप 0 काटेंगे, 0 से आप 0 काटेंगे, 8 से आप काटेंगे 3 बार, और 3 से आप काटेंगे 3 बार, बताइए आपका मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे सब कुछ कट गया, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा, 1 आ जाएगा, इसका मान क्या होगा, 1 आ जाएगा। जब सब कुछ कट जाता है तो बताइए क्या बचता है, तो आप कहेंगे सब कुछ कट जाता है तो 1 बचता है, जब सब कुछ कट जाता है तो क्या बचेगा, तो कहेंगे आप कि सब कुछ कटेगा तो सर 1 ही तो बचेगा, तो बिल्कुल 1 ही बचेगा। इसके बाद देख लेते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है क्या, पॉइंट वाला देख लेते हैं। 130 का दे रखा है कितना, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर कितना दे रखा है, 11.7 दे रखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो मल्टीप्लाई होता है और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। 0 से आप 0 काटेंगे, यहां से 10 हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 0, 0 से आप 0 काटेंगे, 0 काम खत्म हो गया। 13 × 117 होता है, 13 × 117 होता है, तो बताइए क्वेश्चन मार्क का मतलब कितना आएगा, आप कहेंगे 9 आएगा, कितना आएगा, 9, और 9 ये आपका क्या होगा, राइट आंसर, 9 आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, 9 आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, मुझे नहीं लगता कि अब तक आपका कोई डाउट बचा होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 980 का 12% 980 का 12% माइनस का दे रखा है, 980 का 12% है, और इसके बाद में 450 का
क्वेश्चन मार्क परसेंटेज दे रखा है और बराबर में कितना दे रखा है, 227 का 30%, 227 का 30%, 30%। इसमें आपको बताने इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से आप परसेंटेज हटाएंगे तो आप कहेंगे नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा तो आप कहेंगे नीचे 100 आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ऐसे आप यहाँ पर भी करेंगे नीचे क्या आएगा तो आप कहेंगे 100 आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। इतना तो आप कर लेंगे। आप कहेंगे जीरो से जीरो काटेंगे, जीरो से आप जीरो काटेंगे और इस जीरो से आप इस जीरो को काटेंगे, यहां तक समझ गए। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप करेंगे ये कि आप चाहे तो पांच से काट भी सकते हैं, लेकिन आपको इजी करना है, आसान बनाना है, तो आसान बनाने के लिए आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 12 8 96 के 6 लिखेंगे, कह रही हमारे पास 9 आएगा, 12 9 108, और 108 पे जब आप क्या करेंगे, 108 में आप 9 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, कितना होगा, 117 हो जाएगा, 12 9 108, 917 हो जाएगा, है ना। अच्छा, फिर से एक बार समझेंगे, 12 8 96 के 6 कह रही हमारे पास 9 आएगा ना, सही तो है, 12 9 108, 117 हो जाएगा, कितना आएगा, 117 आ जाएगा, 117 आएगा, ठीक है। और इसके बाद में नीचे क्या आएगा तो आप कहेंगे नीचे 10 आएगा, माइनस लगा देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 450 है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेते हैं, और 450 में तो जीरो तो चला गया, तो आप कहेंगे 45x हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा बराबर। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 21 का लिखेंगे, कैरी हमारे पास 2 22 23 66 66 और 2 कितना होता है तो आप कहेंगे 68, कितना होगा 68, और नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे आप 10 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा तो आप कहेंगे 10 एलसीएम आएगा, और जब 10 एलसीएम आ जाएगा, अच्छा, तो आप क्या करेंगे, 1176 माइनस का 45x करेंगे बराबर कितना है, 681 बटे क्या लिखा है 10, आप 10 से क्या करेंगे 10 को काट देंगे, 10 से आप क्या करेंगे 10 को काटेंगे, 1176 को आप उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे माइनस का 45x बराबर 681, और ये लिखा है प्लस का 1176 इधर आएगा तो माइनस का 1176 हो जाएगा, माइनस का 45x बराबर आप क्या करेंगे घटा देंगे, 6 में से घटाएंगे 5 बचेगा, 17 में 8 घटा देंगे 9 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 6 घटा देंगे 4 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, माइनस से आप माइनस काटेंगे 45 नीचे जाएगा तो आप कहेंगे एक्स बराबर 495 कितना आएगा नीचे, 45 आएगा। अब आप इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको भाग देना है, भाग देने के बाद में जो बचेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भाग देंगे, भाग देने के बाद में जो बचेगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन एक आपके लिए होमवर्क दे के जाएंगे, आपको इसका कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, 540 का 75% कमेंट में देना है, 540 का 75% का एक सही 2/5 का 2/3 बराबर क्या होगा, इसे आपको क्या करना है, इसे आप HW में इसका आंसर देना है, ठीक है। इसका HW में आपको क्या करना है, आपको आंसर देना है कि HW में आपको करना है, कमेंट करके बताना है, क्या करना है आपको, कमेंट करके बताना है, ठीक है। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, ठीक है, और इस फैमिली को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है, ये आपका भी कर्तव्य बनता है। बाकी जो यहाँ से हो सकता है, जितनी मेहनत हो सकती है, वो सारी मेहनत आपके लिए की जाएगी, ठीक है, और ये सारा आपका काम है। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे।